फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी टेस्टी मैगी उपमा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। मैगी उपमा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 पैकेट मैगी लिया, साथ में जो मसाला आता है वो भी यूज़ करूँगी। 1 चम्मच ऑयल, 1 टोमेटो, 1 ओनियन को लंबा स्लाइस में कट के रखा, 1/2 लेमन का जूस यूज़ करूँगी, 2 ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा, 5 पीस करी लीव्स, फोड़ने के लिए 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राय, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। पानी में बॉयल आ गया, छोटा छोटा टुकड़ा करके ऐड कर देती हूँ और 80% मैगी को कुक कर लेती हूँ। मैगी बॉयल हो गया, अभी पानी स्टैंड कर लेती हूँ। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया। 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल गर्म हो गया, जो जीरा और राय लिया ऐड कर दिया। 1 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। करी लीव्स और ग्रीन चिली ऐड कर देती हूँ। साथ में ऑनियन भी ऐड कर देती हूँ। ऑनियन 2 मिनट फ्राई करने के बाद जो टमेटो लिया था वो भी ऐड कर दिया, और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा इसके लिए नमक भी ऐड कर देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो रेड चिली पाउडर लिया वो भी ऐड कर दिया, फ्लेम लो कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और जो पानी स्टैंड करके मैगी रखा था वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। साथ में जो मसाला आया वो भी ऐड कर देती हूँ। 2 पैक लिया तो 2 पैकेट मसाला भी आया। मसाला ऐड करके और मैगी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी जो लेमन का जूस लिया लास्ट को ऐड कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर आएगा। और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और गैस बंद करके डिश आउट कर लेती हूँ। टेस्टी मैगी उपमा बन के रेडी हो गया। बहुत ही इजी से बन जाता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।